कुंभकर्ण महान ऋषि विश्रवा व माता कैकसी का पुत्र व लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। वो बचपन से ही विशाल शरीर का था, जो दिन प्रतिदिन सामान्य मनुष्य शरीर से बहुत बड़ा होता जा रहा था। इसी कारण उसे इतना भूख लगती थी कि वह प्रतिदिन अकेले ही सैकड़ों लोगों का खाना खा जाता था। उसके कारण पृथ्वी पर अन्न भंडार की कमी होने लगी थी, जिस कारण से उसे 6 माह तक सोने का वरदान या यूं कहे कि श्राप मिला था। नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे ज्ञान के सागर चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे नए नए वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंभकर्ण के 6 माह तक सोने का कारण। कुंभकर्ण के इतने विशाल शरीर व पराक्रम के कारण आकाश में देवता भी उससे ईर्ष्या करने लगे थे, लेकिन रावण के भय के कारण उसका कोई कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन कुंभकर्ण ने अपने दोनों भाई रावण व विभीषण के साथ मिलकर भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। तीनों भाइयों की तपस्या से प्रसन्न होकर तथा भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिया। कुंभकर्ण ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के पश्चात भगवान ब्रह्मा से इंद्र का सिंहासन मांगने वाला था, परंतु इसके बाद देवताओं पर कुंभकर्ण का अधिकार हो जाता, जिससे इंद्र बहुत डर गए। किंतु वे भगवान ब्रह्मा को वरदान देने से मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि किसी को भी उनकी तपस्या का फल देना उनका कर्तव्य था। इसलिए माता सरस्वती के पास सहायता मांगने के लिए गए। जब देवराज इंद्र माता सरस्वती के पास गए तो उन्हें सारी बात बताई, तो माता सरस्वती ने एक योजना बनाई। उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि जब कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा होगा, तब माता सरस्वती उसकी जिह्वा पर बैठ जाएंगे, जिस कारण वो इद्रासन की जगह निद्रासन मांग लेगा। जब भगवान ब्रह्मा ने कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा, तभी देवी सरस्वती कुंभकर्ण के जिह्वा पर आकर बैठ गई, जिसके कारण कुंभकर्ण के मुंह से द्रासन की जगह निद्रासन निकला। भगवान ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया, जिसके फल स्वरूप अब वह जीवन भर केवल सोता ही रहेगा। यह देखकर कुंभकर्ण व उसके दोनों भाई बहुत डर गए। जब रावण ने अपने भाई की स्थिति देखी तो उसने भगवान ब्रह्मा से याचिका की, जिस मनुष्य को आपने बनाया है उसे आप इस तरह जीवन भर के लिए नींद में सुलाकर उसके जीवन मृत्यु से पहले ही समाप्त कर देंगे। रावण का अपने भाई के प्रति प्रेम और कुंभकर्ण का दुख देखकर भगवान ब्रह्मा को उन पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि क्योंकि ब्रह्मा का वाक्य झुटलाया नहीं जा सकता, फिर भी वो कुंभकर्ण को 6 माह के लिए एक दिन निद्रा से जागने का अनुमति देते हैं। अर्थात कुंभकर्ण 6 माह तक गहरी निद्रा में सोएगा और वो केवल एक दिन के लिए ही जागेगा, तथा उसके पश्चात फिर 6 माह के लिए वो सो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।